तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो, लिखो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिखो मेरे साथ, वैल्यू एडिट मेथड। वैल्यू एडिट मेथड, ठीक है? इसको और क्या बोल सकते हैं, लिखो, आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, ठीक है? और कुछ भी बोल सकते हैं? हाँ, लिखो, इसको प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो किसी नाम से भी आ सकता है, ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? वैल्यू एड मेथड बोलो, चाहे आउटपुट मेथड बोलो, चाहे इसको प्रोडक्शन मेथड बोलो, एक ही बात है, ठीक है? आओ जरा, पहले लिखना है वही, ठीक है? उसके बाद समझाऊंगा। लिखो सबसे पहले, बुलेट पॉइंट बनाओ, लिखो GVA, GVA, GVA का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है? GVA एट MP इज इक्वल्स टू, लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, लिखो, इंटर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको हम हमेशा बोलेंगे GVA@MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, दैट मीन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इतनी बात सबको समझ में, ठीक? आओ जरा नीचे लिखो कुछ बातें, बुलेट पॉइंट बनाओ, लिखो, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड इज नॉट एन IC, IC का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कॉमा, लिखो, बिकॉज बिकॉज इट इज नॉट परचेज्ड, नॉट परचेज्ड फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है? नीचे लिखो, लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, लिखो, सेल्स, ये टोटल सेल्स है, प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है? उसके बाद बुलेट पॉइंट चेंज करो, बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज, हल्का सा डैश लगाओ, अब इसी के अंदर बुलेट पॉइंट बनाना, ऐसे लिखो, समथिंग समथिंग विच इज परचेज्ड, परचेज्ड फॉर द पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल प्लस, एक बात और इसके साथ साथ लिखो, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ऑफ
फाइनल गुड्स, ऑफ फाइनल गुड्स, लिख लेना तो बता देना। ये लिख लिया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, सुनो मेरी बात को, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ढंग से सुनना और समझना पूरी बात को। अभी तक जो नेशनल इनकम पढ़ी है वो दो मेथड से पढ़ी है, हाँ या ना, है ना? एक एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या, कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या करो, कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को ऐड कर लो, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। या उन लोगों ने जो खर्चा करा है, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, वो ऐड कर लो तो भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। दो मेथड बिल्कुल क्लियर थे। ठीक, अभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आज तीसरा मेथड आया हमारे सामने। अब तीसरे मेथड की बात करें, क्या हम नेशनल इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आउटपुट भी निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस। अब उसका मतलब क्या है वो ढंग से सुनना। पहले आप मुझे बताओ, सोच के आंसर करना, कि एक्सपेंडिचर हम किस चीज पे करते हैं? बताओ, एक्सपेंडिचर हम किस चीज पे करते हैं? सर्विसेज। वेरी गुड, द आंसर इज गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज आई कहां से? क्या अपने आप पैदा हो गई या हमने उनका प्रोडक्शन करा है? जल्दी बताओ। प्रोडक्शन किया। वेरी गुड। ठीक, तो क्या हम अगर उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कंसीडर कर लें जिन पे मैं खर्चा करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है, अब मैं इस पे खर्चा करूंगा, कितना खर्चा करूंगा, 10 रुपए का मैंने पेन खरीदा मान लो ये, ठीक है, तो इस पे एक्सपेंडिचर हुआ 10 रुपीज। पहले हमने एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऐड कर लिए थे। क्या मैं नेशनल इनकम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकता हूं कि ना मैं एक्सपेंडिचर लू ना मैं इनकम लू, मैं इस प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कर लू? बताओ, हाँ या ना, इस प्रोडक्ट की वैल्यू हाँ कितनी भैया, है? 10 रुपए है। खर्चा कितना होता है इस पे? 10 रुपए होता। तो क्या हो अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही कंसीडर कर लें, है ना, तो भी तो नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। आंसर इज यस। ठीक, तो हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हम कैलकुलेट करते थे नेशनल इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनकम। नाउ वी विल कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का नहीं होता, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहली बात तो ये समझ। ठीक, अब कैसे निकालना है, ये मैंने क्या लिखा है, ढंग से सुनो। पहली बात, इस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा, लेटर ऑन स्टेज पे इसका आंसर आएगा। ठीक है, या आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। अब सबसे पहली बात, अभी तक हम लिखते थे जीडीपी एट एमपी, है ना, अब नहीं लिखना जीडीपी एट एमपी, अब से हम क्या लिखेंगे बताओ भाई? अब हम लिखेंगे जीवीए एट एमपी। क्या ये जीवीए एट एमपी वही है? याद करो, हम इसको क्या लिखते थे, जीडीपी एट एमपी। तो भाई अगर नाम चेंज हुआ मेथड का, वैल्यू एडेड आ गया, तो हमने जीडीपी एट एमपी का भी थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वो जीडीपी एट एमपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैंने बस नाम चेंज करा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये जीडीपी एट एमपी ही है। हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे जीडीपी एट एमपी? अब मैं जीडीपी एट एमपी नहीं बोलूंगा जब तक मेथड पढ़ रहे, मैं बोलूंगा जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं? पहला आइटम है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो जीवी एट एमपी निकल के आया था। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दो ही चीज है फॉर्मूले के अंदर और कुछ है ही नहीं। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं वीओ, माइनस क्या करना है आईसी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीवी एट एमपी। बट क्वेश्चन कि भैया ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे दिया है, आओ जरा ढंग से सुनो। अब अगर मेरे को प्रोडक्शन कंसीडर करना है, मेरे को आउटपुट लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेनी है जहां पे वो प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे को तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसीडर करनी पड़ेगी। जो चीज प्रोड्यूस हुई है वही तो आउटपुट है, तो उसकी मेरे को क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, वैल्यू। अब मैं वो वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक, मुझे एक बार बताओ, कोई प्रोड्यूसर अगर ये प्रोडक्ट सेल करेगा, बताओ उसका रेवेन्यू कितने का होगा? एक यूनिट सेल कर रहा है, 10 रुपीज का। वैल्यू हाँ, 10 रुपीज का, सीधा मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने इसका प्राइस क्या बताया था, 10 रुपीज। तो अगर वो इसको सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, तो उसका रेवेन्यू, उसकी सेल्स कितने की हो रही है बताओ? 10 रुपीज। वेरी गुड, 10 रुपीज। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बताओ भाई, सेल्स। सबसे पहला हमें क्या लेना है, सेल्स, ठीक है, जितना सामान उसका बिक गया, प्लस प्लस क्या कर रहा है उसके अंदर, वो चीज जो उसने प्रोड्यूस करी बट खुद कंज्यूम करके, अभी इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, प्लस
जितना उसने सामान प्रोड्यूस करा बट बिका नहीं, बचा हुआ रह गया। इन तीनों को ऐड कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, उसकी कितनी वैल्यू है। अब आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल चलो यही ले लेते हैं। चलो यहां पे लेते एग्जाम्पल। आओ भाई जरा बात को ठीक से समझना। देखो मैं कह रहा हूं ये हैं मिस्टर ए, ठीक है, ये कौन है, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए प्रोड्यूसर है। क्या बोला मैंने मिस्टर ए को, मिस्टर ए प्रोड्यूसर है। मिस्टर ए क्या बनाते हैं, मिस्टर ए समोसा प्रोड्यूस करते हैं, समोसा बनाते हैं। समोसा भी तो प्रोडक्ट है, बन सकता है, करेक्ट, ठीक, तो ये भी प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिन के अंदर 100 यूनिट्स की सेल करी, 100 यूनिट्स बेच दी, सेल्स। ढंग से सुनते रहना बात को, ठीक है। दिन में इनको भूख लग रही थी तो इन्होंने क्या करा, 10 समोसे खुद भी खा गए पूरे दिन में, 10 यूनिट्स खुद कंज्यूम कर ली, प्रोडक्शन करा, सेल्फ कंज्यूम कर गए उसको, ठीक है। उसके बाद कुछ इनके अराउंड 50 यूनिट्स ऑफ समोसास बिके नहीं, अनसोल्ड रह गए, अनसोल्ड स्टॉक रह गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मिस्टर ए ने कितने समोसे बनाए पूरे दिन के अंदर, बताओ। 160। वेरी वेरी गुड, 160 यूनिट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे को टोटल वैल्यू निकालनी है किसकी, आउटपुट की, तो मेरे को ये तीनों चीज ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन कंसीडर करना है, मेरे को मतलब है, मेरे को मतलब नहीं है वो बिके या नहीं बिके। मैंने बोला मेथड का नाम है प्रोडक्शन, मैंने मेथड का नाम सेल्स मेथड नहीं बोला, मैंने मेथड का नाम बोला प्रोडक्शन मेथड। अगर कोई चीज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो गई तो आंख बंद करके उसको हमें नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे वो बिके या ना बिके, चाहे उसको तुम खुद कंज्यूम कर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बात समझे। तो यानी यहाँ पे 100 यूनिट्स बिकी तो प्रोड्यूस तो हुई होंगी, खुद कंज्यूम कर गए मतलब नहीं, प्रोड्यूस तो हुई होंगी, और कुछ बचे हुए रह गए बिके ना बिके हमें मतलब नहीं, प्रोडक्शन हो चुका है। तो हमने क्या करा, हमने सारी चीज को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, हमारे पास टोटल क्या आ गया, आउटपुट। अब मान लो एक समोसा 10 रुपए का था, जल्दी बताओ, एक समोसा 10 रुपए का था, चलो बताओ कितने की सेल हुई, 1600 रुपए। वेरी गुड, 1600 रुपीज की वैल्यू प्रोड्यूस करी है एक दिन में मिस्टर ए ने, समझे बात को, ठीक है। बट आप बोलोगे सर फिर तो ये हमारा जीवीएट एमपी आ गया, मैं बोलूंगा नहीं अभी नहीं आया, अभी सिर्फ क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसके अंदर से हमें माइनस करना पड़ता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, क्यों माइनस करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं पहले। आओ जरा पीछे चले, हाँ भाई मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस अनसोल्ड स्टॉक, करेक्ट, इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब पहले ये देख लो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है, देखो लिखवा रखा है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए क्लियरली दो बातें ध्यान रखना, एक पहली बात तो कोई भी चीज हम खरीदे फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मैंने कोई चीज खरीदी मेरा पर्पस था मैं इसको दोबारा बेचूंगा तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी। मान लो ये जो समोसा वाला था, समोसा नहीं ब्रेड पकौड़ा बना रहा, मान लो ब्रेड पकौड़ा प्रोड्यूस करता है, तो इसने अगर ब्रेड खरीदी है तो मुझे बताओ ब्रेड खरीदने के पीछे पर्पस क्या होगा इसका, चलो ब्रेड पकौड़ा बनाना, वेरी गुड, और ब्रेड पकौड़ा बना के खुद कंज्यूम करना या बेचना मार्केट में फॉर द परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो ब्रेड खरीदी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पर दूसरी बात भी ध्यान रखनी है, क्या कि वो प्रोडक्ट फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करे, तो ब्रेड ने क्या ब्रेड पकौड़ा बनने में हेल्प करी, आया नाम है, जवाब दो, बोलो, वेरी गुड। तो कोई भी आइटम विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड इट इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फाइनल गुड्स, इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक, पहले तो समझ लो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को आप लोग बताओगे, सब लोग माइक ऑन कर लो, सब बताएंगे, बताओ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है या नहीं, ठीक। मोबाइल परचेस्ड बाय अ मोबाइल डीलर है,
बाय यस सर, भाई मार्केट में रीसेल तो करेगा ही, लोगों को देगा ही। उसका सर परमिट। मोबाइल डीलर है। वेरी गुड, तो वो क्या करेगा, इट इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप है क्यों, यस व्हाई, सर, बिकॉज मिल्क को सर बेचेगा ही। डेयरी शॉप है, मिल्क बेचेगा। ठीक है, अच्छा, ब्रेड परचेज बाय कार्तिक नहीं है, नो सर, क्यों, मैं बेचूंगा खाएगा नहीं। ठीक सर, वो बेचेगा नहीं। है, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, तो इट इज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं। अच्छा, मशीनरी परचेज्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, नहीं है, नो सर, क्यों, मशीनरी बेचेगा थोड़ी सर ना, वो अपने मशीनरी काम रीसेल करवाएगा। नहीं होगी पर इट इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स तो उससे बनाएंगे। सर, आपने पॉइंट लिखवाया, मशीनरी परचेज इज नॉट एन आईसी। वेरी गुड, ठीक है, इधर आ जाओ जरा। मशीनरी परचेज इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना, मशीनरी परचेज इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दो इट इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फाइनल गुड्स, बट इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिकॉज इट इज नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी समझ में आ गया, बट एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं हुआ, क्या, कि सर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस क्यों कर रहे हैं, है ना, तो इसका आंसर है टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बोल रहे हो, आओ जरा इस बात को भी एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर और कुछ समझने को नहीं रह जाएगा। देखो भाई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आगे भी लूंगा, तो अभी समझ लो इसको, मैं कह रहा हूं, अच्छा, इकोनॉमी के अंदर, एक सेकंड रुकना, इकोनॉमी के अंदर वीट वीट गेहूं प्रोड्यूस हुए, ठीक है, 1,000 रुपए के, इनकी वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपीज, ठीक है, इस वीट से पता है क्या बनाया गया, इस वीट से आटा बनाया गया, फ्लावर, ठीक है, पता है कितनी वैल्यू का, 1,500 का। ढंग से सुनना, ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो फिर खत्म है काम आपका, और आ गया तो भी खत्म है, सब चीज समझ में आ गई। और इस आटे से हमने क्या बनाई, ब्रेड प्रोड्यूस करी, क्या प्रोड्यूस करी, ब्रेड वर्थ ₹2,500, ठीक है, इतनी बात समझ में। चलो मुझे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ, क्या 2,500 टोटल, ढंग से सुनो, बोल कह रहा हूं, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, 5,000 वेरी गुड, वाई 5,000, बताओ भाई वाई 5,000 टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने मेरे को बोला सर इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं सारे उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, उनकी टोटल वैल्यू है 5,000, वीट का प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्ट नहीं है क्या, प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन हुआ है, आटा प्रोडक्ट नहीं है क्या, प्रोडक्शन हुआ है, ठीक, उसके बाद ब्रेड ये भी प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्शन हुआ है, तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई, 5,000 आ गई, ठीक, तो आप मेरे से ही बोल सकते हो सर जीवी आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया, ठीक है, एट मार्केट प्राइस कितना, 5,000, तो मैं बोलूंगा आपसे रॉन्ग, रॉन्ग, मैं बोलूंगा आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा करा, बट इसके अंदर 5,000 के अंदर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, कोई बताएगा, आटा और वेट नहीं जोड़ना, माइनस करना था इसी, क्यों 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 माइनस करना है, वही ये तो बात रीसेल हो, थोड़ी ना कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट, वेरी गुड, हमने गलती कर दी, क्या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कर दी, इसके अंदर वीट की वैल्यू को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस 5,000 के अंदर वीट की वैल्यू को 3 बार काउंट कर लिया, कोई बात है, ये आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो और एक प्रोडक्ट की वैल्यू 3 बार काउंट कर रहे हो, गलत है ना, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो ये गलत है। और ऐसी आटे की वैल्यू एक बार यहां और एक बार यहां, आटे की वैल्यू 2 बार काउंट कर ली, ये तो गलत बात है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा अपनी गलती सुधारने के लिए, हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ तो 5,000 आ गया है, करेक्ट हुआ, बट हमें क्या करना है, हमें निकालना है जीवीए एट एमपी ग्रॉस,
वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, अभी समझाऊंगा अभी इस चीज को, ठीक है, इसमें से माइनस करना पड़ता है आईसी। आईसी का मतलब वो प्रोडक्ट्स जो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। चलो मेरे को बताओ जल्दी से, इन तीनों में से फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? ब्रेड, ब्रेड। वेरी गुड। इसको प्रोड्यूस करने में किस किस ने हेल्प करी? आटा वीट और और आटा। वीट वीट और ने आटा और आटा ने। चलो दोनों को हटाओ, माइनस करो, 1000 और 1500 दोनों को माइनस करो, बताओ जल्दी से कितना आएगा? 2500। दिस इज द करेक्ट जीबीए। ये करेक्ट जीबीए है, इसके अंदर प्रॉब्लम डबल काउंटिंग नहीं। यानी बोलो भाई जल्दी से, आईसी को हम क्यों माइनस करते हैं? मेरे को नहीं पता, आप जल्दी आप बताओगे आईसी को हम क्यों माइनस करते हैं? टू अवॉइड व्हाट? डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल वेरी काउंटिंग। गुड, टू अवॉइड अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ये बात क्लियर है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या मैं ये जीवीए टेम्पी, जिसको अभी तक हम जीडीपीए टेम्पी बोलते थे, कोई भी आंसर कर सकता है? किसी और तरीके से भी निकाल सकता था? सीधा फाइनल गुड कर लेके तो वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते थे, हाँ या ना? जल्दी बोलो। एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते थे तो उसके अंदर जनरली जनरली हम जो खर्चा करते थे वो कौन से गुड्स होते थे? वो इंटरमीडिएट गुड्स होते थे या फाइनल गुड्स? बताओ फाइनल जल्दी बताओ, कौन से गुड्स होते थे? वेरी गुड्स, गुड, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, करेक्ट। ठीक है, तभी तो मैं आपसे बोलता था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये फाइनल वर्ड यूज करता था। फिर मैं आपसे बोलता था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम हमेशा फाइनल खर्चे लेते हैं। क्यों लेते हैं फाइनल खर्चे? क्यों लेते थे? ताकि क्या ना टू हो, अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ टू अवॉइड दी काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। चलो मेरे को बताओ तीनों में से फाइनल कौन सा है? ब्रेड वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसे भी बोल सकता था, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू किसका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। बाय ब्रेड, बिकॉज ब्रेड क्या है, या प्रोडक्शन फाइनल छोड़ो गुड। एक्सपेंडिचर लिख लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड है ना, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड। बताओ भाई कितना खर्चा करा ब्रेड पे? वेरी अच्छा वेरी गुड। ये लो ये लो, यहां से भी 2500 आ रहा है, यहां से भी 2500 आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटो मत यहां पे आके। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है किसी को भी बीट कर दोगे। समझ में आई बात, ये क्या करा मैंने? हाँ हाँ भैया। यस यस सर। वेरी गुड। ठीक, इतनी बात समझ में। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, अब एक्सप्लेन कर ही रहा हूं तो कर ही दूं। ठीक है, मुझे बताओ मैं इस मेथड को और क्या बोल रहा था अभी तक? वैल्यू एडेड मेथड, हाँ आउटपुट देखो, ऊपर देखो, मेथड। पहला नाम क्या है इसका? पहला नाम है वैल्यू एडेड। नाउ व्हाई वैल्यू एडेड, ढंग से देखना। हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो हमने काम करा है ना, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये एक्चुअली हर स्टेप में जितनी वैल्यू एड हुई है ना, हमने वही कंसीडर करी है। क्या मतलब इस बात का? चलो इधर आओ, ऐसे भी कर सकते थे। मुझे बताओ इकोनॉमी में वीट का कितने का प्रोडक्शन हुआ? जल्दी। हजार वेरी गुड। अब मुझे बताओ वीट की वैल्यू अपनी तो कितनी है? 1000। वीट से आटा प्रोड्यूस कर रहे हो है ना, तो मुझे बताओ इसमें कितनी वैल्यू और ऐड हुई? वेरी 500। गुड, 500। फिर मुझे बताओ आटे से हमने ब्रेड प्रोड्यूस करी, कितनी वैल्यू और ऐड हुई? चलो हजार थाउजेंड ट्वेंटी ऐड करो सारी। चलो फाइव हंड्रेड कोई इशू, तो इसको वैल्यू एडेड भी तो बोल सकते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में जितनी वैल्यू एड हुई है वो कंसीडर कर रहे हैं। क्या इससे भी हम प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग से बच सकते हैं? हाँ देखो, बच गए प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग से। हमने हमने इसके अंदर 1000 रुपए वीट के थे, कंसीडर ही नहीं करे हमने, सिर्फ किसके लिए? हमने ब्रेड के लिए है ना। और ऐसे इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वीट के 1000 रुपए थे और 500 रुपए किसके थे बताओ? 500 किसके थे? आटे के है ना, वो हमने लिए ही नहीं, तो हमने सिर्फ किसके कंसीडर करे? ब्रेड के। तो हमने हर स्टेप पे जितनी वैल्यू एड हुई वो कंसीडर कर लिया, उससे भी तो आंसर निकाल लिया। बोलो भाई, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ भैया, आ गया सर, आ रहा। वेरी गुड। तो एक काम करें, कुछ क्वेश्चंस करें।
हाँ भैया कशिश समझ में आ रहा है कशिश? यस सर। ठीक है मान्या? यस सर। ठीक है बाकी तो सबने पढ़ा हुआ है, क्लियर है भाई? अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा ये? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये? हाँ 20th लिखो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। ये लो क्वेश्चन आता हुआ आपके स्क्रीन पे, 20,000 का क्वेश्चन। चलो भाई तो कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे सर? क्वेश्चन नंबर 1। और कोई क्वेश्चन थोड़ी है। ओके सर। बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सुन लो नोट भी करते रहो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, बताओ भाई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, GVA एट FC। ठीक है अब हमें क्या क्या दे रखा है, पहला आइटम लिखो जल्दी। सेल्स दे रखी है 500, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30, क्लोजिंग स्टॉक 20, पूरा लिखना ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ करेक्ट आंसर, वेरी गुड कृतिका। उसके बाद देखो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स 300, परचेज ऑफ मशीनरी 150, सब्सिडी दे रखी है 40। ये क्वेश्चन दे रखा है ठीक है, कब आया हुआ है? CBSE 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कार्तिक का आंसर गलत है ठीक है। ठीक तो थोड़ा नीचे कर दो, नीचे वाला नहीं दिख रहा मेरे को, बस मशीनरी तक दिख रहा है। अच्छा काम करते हैं, अब दिख रहा है? ओके सर। यस सर। चलो भाई 2 मिनट दे रहा हूँ आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कराना तो मेरे को है ही भाई। इससे पढ़ाना ज्यादा कन्वीनियंट है। बोल रहे हैं बच्चे अनुराग का अंदर ठीक है, कृतिका क्या कह रहे हो? आंसर आ तो गया सर, वो उसको बोल रही थी कि आंसर ठीक है। अच्छा कार्तिक का गलत है, स्तुति का ठीक है, देख लो सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। कराऊं या कर रहे हो? जल्दी बता दो। अरे चोपड़ा जी आंसर भेजो, कितनी बार कराने पड़ेंगे क्वेश्चंस ये? मुझे लगता है चोपड़ा जी ज्वाइन करके छोड़ के इधर उधर हो लेते हैं। नहीं भैया मैं यही हूँ, वो मैं कोई आ रखा था उसके बाद। वही तो, वो होता है, अब ये थोड़ी बिल्कुल खोल के कहीं घूमने चले जाओगे तुम। अरे भैया वो राज आया था, जरा 2 मिनट उससे बात कर लो। अरे कोई भी आया हो, राज आया हो, प्रिंस आया हो, कोई नहीं हो। देखो भाई सबसे पहला काम है, सुन लेना चोपड़ा जी, इनको इनको सबको बताओ सबसे पहला काम क्या है। फॉर्मूला लिख, लिख नहीं लिखना, GVA एट MP इज इक्वल टू, लिखना ही बोला मैंने, हमें तो लिख सुनाई दिया। GVA equals to value of output minus intermediate consumption. चलो भाई value of output के अंदर क्या क्या आता है बताओ? सेल्स आती है, sales. Very good. दे रखी है बता। चलो वेरी गुड, सेल्स कितनी है 500। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया,
ठीक है, तो क्या लेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, ही दे रखा है ना, हाँ ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। माइनस करो आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या दे रखे हैं देखो लिखा हुआ है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, क्लियरली दे रखा है ठीक है, कितना 300। एक चीज और आप लोगों से पूछता हूं मैं, देखो इसके अंदर लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी, लू नहीं लू, नहीं आएगा, वेरी गुड, बिकॉज इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो ये कितना आ गया बताओ, 190 कितना, 190 क्या निकल के आया, कोई बताएगा? जीबीएट एमपी, वेरी गुड, हमें क्या निकालना है, जीबीएट एफसी, वेरी गुड, एमपी से एफसी पे जाने के लिए कशिश क्या करूं, कशिश कशिश प्लस सब्सिडी, आईटी नहीं दे रखा, आईटी नहीं दे रखा ठीक है, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, सब्सिडीज कितनी है 40, चलो कितना आ गया बताओ, 22 बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके लिए, 21 है, ठीक है वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 21 लिखो, कैलकुलेट क्या करना है, सेम अगेन जीबी एट एफसी, जल्दी आंसर बताओ, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सिक्स में आया है ये क्वेश्चन, जब आते हैं तो ऑन रिपीट चलते रहते हैं कुछ सालों तक, देख लो 5-6 अभी दिखेंगे आगे और भी, और फ्री के मार्क्स हैं, 3 नंबर का आता है एटलीस्ट। तीन आंसर आए, तीनों अलग अलग, जिसमें से सिर्फ कृतिका का आंसर ठीक है। अरे अनुराग शर्म करो भाई, शर्म करो थोड़ी सी, थोड़ी सी, अभी भी आंसर अगर गलत आएंगे तो क्या चलेगा, एक बार न्यूमेरिकल खत्म करा दे, दोबारा टच नहीं करूंगा, जितना सीखना है अभी सीख लो। और कोई बता नहीं रहा भैया, एक मिनट कर रहा हूं, करो कशिश आंसर बताओ जल्दी, तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, क्वेश्चन तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मेरे ख्याल से मैंने हटाया ही नहीं है, ये रहा सेकंड वाला, ये रहा, तो मतलब नोट नहीं कर रहा, अरे तू सॉल्यूशन तो कर रहे होगे या खाली बैठे हुए हो, मान्या का आंसर करेक्ट, अनुराग का भी करेक्ट हो गया, स्तुति का भी करेक्ट है, बताओ यार हद है, हटा दूं क्वेश्चन, यस सर, चलो सबसे पहला काम बताओ कार्तिक क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखना है, हाँ भूल ना मत इस बात को, कभी मैंने कॉपी देख लिया आपसे फोटो मंगवा लिया और उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा दिक्कत कर दूंगा, GVA at MP is equals to value of output minus intermediate consumption, ठीक है, चलो value of output में sales आती है, जो मैं पूछता हूँ वो बता दो, sales कितनी दे रखी है, 180, चलो change in stock, closing opening दे रखा है, पूरा ही दे रखा है, 15 ना, 15 ही तो है, हाँ भैया 15, उसके बाद minus IC, minus 100, है ना, देखो सीधा लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करते फॉर द पर्पस ऑफ री सेल एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फाइनल गुड्स, आई फिनिश गुड्स, ठीक है, हाँ चलो भाई कितना आ गया, 85
95. ये क्या निकल के आया, हमें क्या निकालना है बताओ? आईटी दे रखा है क्या? नहीं, सब्सिडीज दे रखी है। प्लस सब्सिडीज कर दो, कितनी दे रखी है? 10। हाँ तो कितना आ गया? 105 आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। देखो आंसर कितना था, 105। ठीक है, लो भाई चलो जल्दी। जल्दी करना, बताओ भाई आंसर बताओ। हैं? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। चलो 2 मिनट रह रहे हैं, मैं करा दूं उस क्वेश्चन को, हो पाया तो। सर करने दो। अरे यार 2 मिनट आ रहे हैं, चलो करो करो। सर शेयर तो कर दो। कर रहा हूँ बेटा। आंसर अनुराग का ठीक है, स्तुति का करेक्ट है, कृतिका का आंसर गलत है। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, बहुत दिक्कत कर रहे हो, बाद में कुछ नहीं दूंगा। क्वेश्चन को नोट कर लिया करो आराम से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में कर लिया करो। निकल गया टाइम। आंसर अनुराग का ठीक आया और स्तुति का ठीक आया, बस। ठीक है, गलत है चोपड़ा जी। भैया ये फर्स्ट चीज समझ नहीं आई, नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट ये भाई क्या? तुम दोबारा पढ़ रहे हो यार, ये तुम लोग दोबारा पढ़ रहे हो। कृतिका का आंसर एनवीए एटएफसी तो है क्या? हां ये एनवीए एटएफसी, हां ये एनवीए एटएफसी दे रखा है 100। ये रहा एनवीए एटएफसी 100। सर ठीक है।